नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो इंडिया एट 75 में आपका स्वागत है। आज हम इस स्पेशल शो के तीसरे कड़ी में बात करेंगे कारगिल वॉर की, और उसके बाद सबसे बड़ा अहम सवाल कि हर बार आर्मी युद्ध तो जीत लेती है, लेकिन फिर भी क्या हिंदुस्तान सिक्योर्ड है, हम सुरक्षित हैं? इन बड़े सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर जनरल एस पी सिन्हा हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारगिल वॉर में हमसे क्या चूक हो गई थी, बताता हूँ। चूक ये हुआ कि जो हमारी सर्वेलेंस ग्रिड होनी चाहिए, जो ट्रूप्स टू ग्राउंड डेंसिटी होना चाहिए, उसमें कमी थी। इतने लोग अंदर घुस आए और हमारा जो वहाँ का ब्रिगेड कमांडर था उसको भनक तक नहीं, भनक तक नहीं लगी, तो हमारा सर्वेलेंस ग्रिड जो था उसमें कमी थी। लोकल शेफर्ड जाके आके बताते हैं, उसके बाद हम लोग रिएक्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वाजपेयी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इधर सम्राट थे, कवि थे, स्टेट्समैन थे। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान हमारा नेबर है, पड़ोसी है, उसके साथ रिश्ता ठीक होना चाहिए, दोनों देश के हित में। बात ये सही है, दोनों देश के हित में कि रिश्ता ठीक हो। तो उन्होंने सोचा चलो एक मौका देते हैं। तो नवाज शरीफ से लाहौर बस डिप्लोमेसी किया कि हम लोग थोड़ा रिश्ता नॉर्मल कर, नॉर्मलाइज करने के लिए। और जब ये लाहौर बस डिप्लोमेसी चल रही थी, जनरल मुशर्रफ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, वो नवाज शरीफ के बताए बिना वो षड्यंत्र कर रहा था कारगिल वॉर का, ये फैक्ट। दूसरी बात कि ये पूरा वॉर पाकिस्तान आर्मी ने किया था, उसके सोल्जर्स इन्वॉल्व थे, और पाकिस्तान आर्मी कहता है कि नहीं नहीं वो तो मुजाहिदीन थे। तो मैं उनके अफसर को कोट करना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल शहीद अजीज़ ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कोई मुजाहिदीन नहीं थे, ऑल ट्रेंड आर्मी, ऑल पाकिस्तान रेगुलर सोल्जर्स थे। यस, और पाकिस्तान इतना गंदा देश है, बेगैरत देश है कि अपने जवानों का डेड बॉडी तक नहीं क्लेम किया, ये कह के कि तो मुजाहिदीन है, तुम्हारे ट्रुप्स हैं ही नहीं। मतलब जो तुम्हारे, जिसने तुम्हारे देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, शहीद हो गया, उसका डेड बॉडी भी क्लेम नहीं करते हो और डेड बॉडी को भी मान सम्मान के साथ विदा नहीं करते हो। और बाद में पाकिस्तान के ही आर्मी के ऑफिसर्स ने लिख करके, बता करके किताबों में ये बताया कि ये तमाम लोग जिसे ये मुजाहिदीन बता रहे थे कि दरअसल वो आर्मी पर्सनल थे। करेक्ट। दूसरी बात, इस वॉर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है कि रात को करीब 12:30 रात को प्रेसिडेंट क्लिंटन, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने वाजपेयी जी को फ़ोन किया कि मुशर्रफ न्यूक्लियर ऑप्शन प्लान कर रहा है, मैं सोचा आपको बता दूं। तो वाजपेयी जी ने कहा कि उसको बता दीजिए कि मैं 20% हिंदुस्तान का राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं वचन देता हूं पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। तो वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर ब्लफ, जो पाकिस्तान का था हमेशा, न्यूक्लियर पावर हूँ, ब्लफ कहा, शो है ना एटॉमिक न्यूक्लियर पावर, शो, दिखा क्या कर सकता है तू। हवा निकल गई, मुशर्रफ घुस गया अपने बिल में, क्यों नहीं इस्तेमाल किया न्यूक्लियर ऑप्शन। तो न्यूक्लियर ब्लफ जो बार बार पाकिस्तान ये दिखाता रहता था, न्यूक्लियर पावर, उसको काट दिया वाजपेयी जी ने। तीसरी बात कि पाकिस्तान का एम क्या था, पाकिस्तान का एम था जियो स्ट्रेटजिक एम कि NH1 हाईवे जो है वो जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को ले से, उसको कट ऑफ कर दो ताकि लद्दाख और सियाचिन पूरी तरह से कट ऑफ हो जाए। और यदि ऐसा हो जाता कारगिल, तो फिर वो अंदर पूरा, यदि कारगिल वॉर वो जीत जाता तो बर्बादी थी, सियाचिन हमारे हाथ से सब कुछ बर्बाद हो जाते हम लोग। अब तो ये बैटल चला May 1999 से लेकर July 1999 तक, और इसमें कहा जाता है कि 28 मार्च 1999 को मुशर्रफ पहले हेलीकॉप्टर में अपने पाकिस्तान के साइड पे उड़ा, उसके बाद जब IB के नज़दीक आया तो हेलीकॉप्टर को वहीं छोड़ दिया, और सिविलियन ड्रेस में अपने ब्रिगेडियर
मसूद आलम के साथ, जो कमांडर था 80 पाकिस्तान ब्रिगेड का, उसके साथ 11 किलोमीटर रिकी करने के लिए हिंदुस्तान टेरिटरी में आया सिविलियन ड्रेस में, और जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट करना था कारगिल वॉर में माउंटेन टॉप्स पे, सब रिकी करके गया, प्लान अप्रूव करके वापस लौट गया। तीसरी बात, ये युद्ध में PVC 4 हिंदुस्तान की तरफ से, महावीर चक्रा 9, वीर चक्रा 55, 13 जैकरिफ जो पहला यूनिट था हिंदुस्तान के इतिहास में जो दो परमवीर चक्रा सिंगल डे कॉन्फ्लिक्ट में जिसको दिया गया है, सेकंड राजपूत को 4 महावीर चक्रा 7 वीर चक्रा मिला, हाईएस्ट एवर अवार्ड किसी यूनिट को सिंगल डे बैटल में, माय गॉड। तो ये दो उपलब्धि है। अब यदि हीरोज हम कारगिल वॉर की बात करें तो पहली बात मैं कहता हूँ डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, आप समझिए विश्व के इतिहास में इस हाई एल्टीट्यूड पे किसी देश ने कोई जंग नहीं जीता है। और जब भी कि आपका दुश्मन जो है वो ऊंचाई पे हो और हम नीचे से ऊपर, वही तो बता रहा हूँ, 18 डिग्री सैलियंट और वो माउंटेन टॉप से बाय फायर एंड बाय ऑब्जर्वेशन आपको डोमिनेट कर रहा है और आपको अप द हिल धावा कर बोलना है, और रास्ते में कोई पेड़ पौधा भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, माउंटेन एकदम कुछ नहीं, ओपन सब कुछ नजर आ रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है, ये टारगेट ढिचो गए। और उस हालात में हमारे जो यंग ऑफिसर्स ने और ट्रुप्स ने और JCOs ने जो कमाल दिखाया वो फैंटम आर्मी कर सकती है, मिरेकल है, मिरेकल है, कोई नहीं कर सकता। नॉर्मल यंग बच्चे भी जो है ना 18 साल 20 साल के कारगिल में जाके 10 कदम लेके दिखा दो सांस निकल जाएगी, खाली 10 कदम ऊपर चढ़ के दौड़ो मत, खाली तेजी से चलो सांस निकल जाएगी। और इतने हाइट पे, इतने हाइट पे है, 18 डिग्री सैलिएंट, 18 डिग्री मतलब इस तरह से आपको अटैक करना, अब फायर चल रहा है, आप सोचो। हीरोज की बात करें तो कैप्टन विक्रम बत्रा जिसको परमवीर चक्रा दिया गया, जो फेमस डायलॉग है दिल मांगे मोर, उसको टाइगर ऑफ दरास भी कहा जाता है, लायन ऑफ कारगिल भी कहा जाता है, और उसकी वीरता देख के पाकिस्तानी खुद इतना प्रभावित हुए कि उसको बोलते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा को शहनशाह, शहनशाह की उपाधि दी गई। और कैप्चर ऑफ पॉइंट 4875 में जो उसने रोल किया वो इतिहास के हिंदुस्तान सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया महावीर चक्रा, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, मेजर राजेश अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता, मेजर पदपानी आचार्य, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे उसको भी PVC मिला 111 GR का PVC पोस्टमस, जो दो अवार्ड मिले परमवीर चक्रा वो लाइव हैं, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्रा और राइफलमैन संजय कुमार दोनों लाइव हैं उनको PVC मिला, और नायक दिगेंद्र कुमार। जो यदि इंपॉर्टेंट बैटल्स की बात करें हम कारगिल में तो बैटल ऑफ टोलोलिंग, बैटल ऑफ पॉइंट 4875, बैटल ऑफ टाइगर हिल, ऑपरेशन इन खसखस और ऑपरेशन बटालिक, ये सब बैटल्स लड़े गए थे। बट आप देखिए कि एक जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में लिखा गया था किताब डिफीट इनटू विक्ट्री, वही हिंदुस्तान के फैंटम आर्मी ने किया, जो श्योर शॉट डिफीट था उसको विक्ट्री में पढ़ और देश को गरिमा प्रदान किया और दुश्मन के दांत खट्टे किए। अब मैं आता हूँ, ये एक फौजी अफसर होने के नाते बहुत दुख लगता है, सेना खून देती है, हमारी बहनें विधवा हो जाती हैं, हमारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बलिदान दिया जाता है लोगों के द्वारा, हमारे ट्रुप्स और अफसर्स के द्वारा, मिलता क्या है देश को। चलते हैं वॉर पे 47 वॉर में जब हम एडवांस कर रहे थे तो नेहरू ने सीज फायर क्यों किया, यूनाइटेड नेशंस क्यों गए, पूरा कश्मीर जम्मू कश्मीर क्यों नहीं ले लिया, क्यों रोका, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एडवीना ने कह दिया रुक जाओ, तुम इश्क में फंसे थे तुम रुक गए, और माउंटबेटन के कहने पे तुम यूनाइटेड नेशंस चले गए, तो हमें क्या मिला। दूसरा चीज, 62 वॉर हायर कमांड में आर्मी ने प्रेजेंटेशन तैयार किया था कि यदि डी डे पे चाइना अटैक करता है तो D+1 में कहाँ पहुँचेगा, D+2, एकदम डी डे वाइज बताया था, उसको नेहरू ने कोई कॉन्विनेंस नहीं लिया, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। यदि आर्मी की सुन लिए होते तो तैयारी होती, ट्रुप्स के पास इक्विपमेंट नहीं था, क्लोदिंग नहीं था, राशन नहीं था, फिर भी हम लड़ लिए होते, एम्यूनिशन नहीं था, एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया,
यदि 62 वॉर में एयरफोर्स का इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी चीन के लिए बढ़ जाती है। क्यों नहीं इस्तेमाल किया? हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, तुमने तो देश को बर्बाद कर दिया जवाहर, बर्बाद कर दिया इस देश को। अब आते हैं 65 वॉर, क्यों हाजी पीर लौटा दिया? हाजी पीर हम नहीं लौटाए होते तो कारगिल नहीं होता, इन्फिल्ट्रेशन जो होता है नहीं होता। 71 वॉर, क्यों 93,000 प्रिजनर्स लौटा दिए? क्यों 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो वेस्टर्न फ्रंट पे हमने कैप्चर किया था लौटा दिया? क्यों नहीं बांग्लादेश को हम अपने ऐसे मैत्री में और पैक्ट में बांधा? आज हमने इतना बलिदान किया, आज बांग्लादेश बना है हम लोग के कारण। क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश इसके लिए कृतज्ञ है? 100% कोई नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम जान चुके, आर्मी बार बार युद्ध को जिताती है, मिरेकल करती है, कई लोग शहीद होते हैं, यंग ऑफिसर्स अपनी जान देते हैं, लेकिन एज एन आर्मी ऑफिसर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान अब सिक्योर है, अब कोई कारगिल नहीं होगा, अब कोई 65 नहीं, कोई 62 नहीं, क्या हिंदुस्तान को सिक्योर माना जा सकता है? देखिए, जब सिक्योरिटी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, देश सुरक्षित है कि ना, दो बिंदु है, स्वतंत्रता लेना और देश के स्वतंत्रता को बरकरार रखना, सुरक्षित करना। सुरक्षा तो हमने सुभाष चंद्र बोस के कारण ले लिया, आज़ादी हमने ले लिया। अब सवाल होता है कि क्या आज़ादी को कायम करने में आज की तारीख में हम पूर्ण तरह से सक्षम हैं? अब ये इसके कई बिंदु हैं। देश सुरक्षित कैसे रह सकता है? मिलिट्री पावर से, पॉलिटिकल पावर से, इकोनॉमिक पावर से, जुडिशियल सिस्टम यदि फेयर प्ले करता है तो, इन सब कारणों से देश मजबूत होता है और दुश्मन दो बार सोचता है। और कूटनीति पावर, ये सब चीज़ से देश मजबूत होता है और दुश्मन भी 50 बार सोचेगा हम लोग की तरफ देखने से। अब हम आते हैं मिलिट्री पावर से। एक्सटर्नल दुश्मन को तो सेना संभाल लेगी, जब कारगिल में इतने एडवर्स कंडीशंस में हमने पाकिस्तान को ठोक दिया तो आप ये मान कर चलिए हमारी फैंटम सेना है, कुछ भी कर सकती है, विश्व की कोई सेना हमारे सामने टिक नहीं सकती, हम भूजा खा के अलफतह कर देंगे, जीत जाएंगे। ये हमारी सेना है क्योंकि पूरा खून उबलता है भारत माता के प्रेम में, कोई रोक नहीं सकता इस सेना को जिसमें भारत माता के प्रति प्रेम इतना स्ट्रांग हो। तो एक्सटर्नल एनिमी से तो हम सिक्योर कर लेंगे देश को। कूटनीति से जयशंकर जी बहुत कमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा फैसला लिया मोदी जी ने, इनको एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया, कमाल कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद। तो MEA तो अच्छा काम कर रही है। अब आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लीडरशिप, प्रधानमंत्री। सवाल ये होता है प्रधानमंत्री कैसे देश को सुरक्षित कर सकता है? यदि प्रधानमंत्री ईमानदार है, मेहनती है, कमिटेड है नेशन के प्रति, साहसी है, प्रभावशाली है, एक्सटर्नल दुश्मन को चेकमेट करने की क्षमता रखता है, विजनरी है और एक्सटर्नल जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, उनके शतरंज के खेल को समझने की, बैटल रेडी करने की क्षमता रखता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ऑनेस्ट है और काउंटर अटैक करने की क्षमता रखता है, उनको उसी के भाषा में जवाब देने की शक्ति रखता है और कहता है भारत माँ को न झुकने दूंगा न डरने दूंगा, और इंटरनली पीस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार करने की शक्ति रखता है, तो आप समझिए देश सुरक्षित है। ये तो हुआ प्रधानमंत्री के लेवल की बात, जिसमें मोदी जी सक्षम है और उनका पूरा देश देख रहा है। लेकिन इंटरनल थ्रेट क्या क्या है? बताता हूँ आप खाली दो उदाहरण दूंगा मोदी जी के साहस का, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक बालाकोट, कितना बड़ा गैम्बल खेला। यदि ये दो स्ट्राइक फेल होते तो अपोजिशन तो उनको चीर देता, आज वो प्रधानमंत्री नहीं होते, चीर देता
पॉलिटिकल डेथ चैप्टर क्लोज, लेकिन जिस पर जिसकी निष्ठा सही हो, नियत साफ हो, देवी शक्ति भी आशीर्वाद देती है। पढ़ जा आगे, मैं हूं ना विजय सिंह, दिलवाऊंगी देवी आशीर्वाद। फिरोजपुर में मारने की कोशिश किया, छुपाया, कुछ भी हो सकता था। 20 मिनट के लिए ही वह सिटिंग डक 22-20 मिनट्स। देवी शक्ति, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राशिफल हिंदुस्तान का, भारत माता का, उधर देवियों ने लिख रखा है। अब आते हैं पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज में, समस्या यहीं शुरू होती है। समस्या इसलिए होती है कि पॉलिटिकल सिस्टम में दो ही चीज़ है, राजधर्म, राष्ट्र की सेवा या सत्ता की खोज, सत्ता की भूख, यही है। हिंदुस्तान में मैं जो देखता हूँ लोगों की सोच, सत्ता चाहिए, एक टेन्योर में इतना पैसा बना लूँ कि 3-4 जनरेशन आराम से भुजा खाते रहे। ये जो सत्ता का भूख है, यही कॉम्प्रोमाइज करता है, यही जन्म देता है कई बिंदुओं को। जब सत्ता का भूख क्या क्या गलती करवाता है लोगों से सुनिए। मनीष शंकर आया जाता है पाकिस्तान, मोदी जी को हटाओ, जन रावत को सड़क का गुंडा करता है संदीप दीक्षित, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा जाता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगा जाता है। कांग्रेस राहुल गांधी 2008 में चाइना के साथ MOU साइन करता है, जिसका टेक्स्ट और कंटेंट आज तक किसी को पता नहीं, सरकार को पता नहीं है। डोकलाम में के समय जब युद्ध चल रहा था तो राहुल गांधी चाइनीज इन्वॉय के साथ डिनर खाता है। शाहीन बाग में धरना किया जाता है, किसान आंदोलन, फर्जी किसान आंदोलन, तो बिचौलिया आंदोलन था, उसमें देश को कितना बर्बादी हुआ, कितने करोड़ों हजार करोड़ का लॉस हुआ। 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान किया जाता है, कश्मीर में प्रो पाकिस्तान स्लोगन उठाया जाता है और तिरंगा का अपमान होता है, बिहार में PFI पकड़ा जाता है और मिशन 2047 का गजवाए हिंद की सोच होती है और कुछ नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट जानते हुए, क्या स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज ने स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बताया होगा? बिल्कुल बताया होगा, होम मिनिस्टर को मालूम होगा, तो फिर क्या एक्शन लिया गया? मुख्यमंत्री को मालूम होगा, क्यों नहीं शुद्धिकरण किया गया? वो शुद्धिकरण क्यों करेंगे? तो पॉलिटिकल दबाव में मुझे तो ताज्जुब लगता है, पटना का SSP कहता है कि PFI का तो ट्रेनिंग है उसी तरह जैसे RSS का ट्रेनिंग होता है, मतलब उसने RSS ट्रेनिंग को PFI के ट्रेनिंग से जोड़ दिया, दे आर सेम, और सरकार उस पर कोई हरकत नहीं करती उसके खिलाफ। तो ये सब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर अग्निपथ में स्कीम में डिप्टी CM के घर पे अटैक होता है, सरकार कुछ नहीं करती। इतने ट्रेन्स वगैरह जलाए जाते हैं, करोड़ों 100-500 करोड़ का लॉस होता है बिहार में, कुछ नहीं होता है, चुप, सरकार चुप। तो ये जो सोच है शक्ति की उपासना, ये 8 सांपों को जन्म देती है। 8 क्या क्या? तुष्टिकरण की राजनीति, मुसलमान को तलवे चाटो, हमको वोट मिलना चाहिए, सत्ता में आए, देश गड्ढे में जाता है। सेक्युलरिज्म, ये क्या क्या सांप हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सेकंड, सेक्युलरिज्म। तीसरा, परिवारवाद। चौथा, जातिवाद। पांचवा, भ्रष्टाचार। छठा, ग्रीड, लालच। सातवां, जो हिंदुस्तान में ट्रेटर्स हैं, जयचंद हैं, उनको कोई डर नहीं है, वो निर्भय हैं कि हम पॉलिटिक्स में हैं, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, कानून भी नहीं है उसको पकड़ने के लिए। आजम खान जब 65 वॉर में गड्ढा खोद देता है, हमारा कन्वॉय, मिलिट्री कन्वॉय रुक जाता है 6-8 घंटे के लिए, कुछ नहीं होता, मिनिस्टर बना, उसकी भैंस गुम हुए तो पुलिस ढूंढ रही थी। तो जब इस तरह का सिस्टम होगा, तो अभी हमीद अंसारी एम्बेसडर ईरान में था, रॉ के सब इंटेलिजेंस को एक्सपोज कर दिया, कांग्रेस ने उसको वाइस प्रेसिडेंट बना लिया और प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी, ये सब खतरा है, खतरा। उसके बाद डिवाइड एंड रूल, जात के आधार पे, तुम यादव हो, तुम फलाना हो, तुम ठिकाना हो, तुम OBC हो, अरे तुम हिंदुस्तानी हो यार। ये जो हिंदुस्तान के जो खिलाफ जो ताकते हैं ना, वो तुमको बुद्धू बनाते हैं और देश को कमजोर करते हैं। तो अब ये सब
सांप हैं जो डस रहे हैं भारत माता को। अब हम आते हैं इफेक्टिव और न्यूट्रल जुडिशियल सिस्टम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। जो एक्स सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्रणाली जो है उसमें बहुत कमियां हैं, फिक्सिंग होता है। सीजीआई बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, और उस पर लोग भड़क गए। ये एक सीजीआई बोल रहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट में फिक्सिंग होता है एकदम, सीजीआई कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं। एक वकील जिसका बहुत फी आई है, वो तो बेल लेने में एक्सपर्ट है, वो तो टेलीफोन पे ही बेल दिलवा देता था, चाहे तिस्ता से तलवाद हो चाहे कोई हो। ये कैसे हो जाता है? अफसर आलम को एक रजिस्ट्रार कैसे तिस्ता से तलवाद का सब केस अफसर आलम जो पटना का आदमी है मुसलमान उसके पास चला जाता है? तो ये फिक्सिंग नहीं है तो क्या है? अब मैं आता हूँ, इस देश में कितने केसेस पेंडिंग हैं? यदि डॉक्टर्स लोग 24/7 काम कर सकते हैं, आईसीयू कभी बंद होता है क्या? कभी नहीं। तो जुडिशियल सिस्टम 24/7 क्यों नहीं काम कर सकता? जहाँ तक मुझे पता चला, मैं तो उतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन समर वेकेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, विंटर वेकेशन एज इट इज, इतना छुट्टी होता है देश में, दिवाली है रे, दशहरा है रे, तो ये है रे, तो मुहर्रम है, तो ये है, तो वो है छुट्टी। उसके बाद वर्किंग आवर्स कितना इफेक्टिव, लंच ब्रेक एक डेढ़ घंटे का, उसके बाद 4-4:30 बजे छुट्टी। काम कब होता है? कोर्ट केस में डेट आफ्टर डेट। भाई आप बोलो कि आप अपना आर्गूमेंट 2 हियरिंग में ख़त्म करो, तीसरा में न्याय सुनाओ, क्यों नहीं हो सकता है? मुखिया सिस्टम में तो, ही गांव में हमने मुखिया सिस्टम देखा अपने आंखों से, 2 बार बैठक होती थी 5 मुखिया का, बोलो बोलो, सेकंड सिटिंग में फैसला सुना दिया, वो कोर्ट में लग जाता 15 साल, जो 2 सिटिंग में 2 दिन में ख़त्म, जो एविडेंस लाओ, गांव के सब लोग जानते थे सच क्या है, कोई किसी से छुपा नहीं है। ये प्रॉब्लम है। एक सिटिंग जज जो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, वो बोलता है यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको न्याय नहीं मिल सकता, तो गरीब कहाँ जाए? गरीब के लिए कोर्ट कचहरी है नहीं, तो जाएगा फिर न्याय कौन देगा? भगवान तो नीचे आ नहीं सकते, आप तो भगवान हो, माय लॉर्ड आपको कहा जाता है। ये वकील डेट आफ्टर डेट में किसका फायदा होता है? वकीलों का फायदा होता है, हर एक अपीयरेंस पे पैसा, न्याय मिलेगा नहीं, पता नहीं। अब आते हैं इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर एक बहुत बड़ा टूल है, हथियार है, चाइना वही हथियार इस्तेमाल करता है, चाहे श्रीलंका हो। BRI क्या है? पाकिस्तान को बर्बाद किसने किया? श्रीलंका को बर्बाद किसने किया? चीन ने। वो पैसा फेंकता है, नाच बंदरिया नाच, पैसा दे वो पांच, वो मनी को इकोनॉमिक पावर की तरफ इस्तेमाल करता है और पैसा दे के उस देश में घुस जाता है और पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है और मनमानी करता है। और यदि श्रीलंका हो तो हरबन तोता पोर्ट ले लेता है अपने कंट्रोल में और उसका मिसयूज़ करता है, और उसके जो स्पाई शिप है अभी बर्थिंग करने के लिए परमिशन मांग रहा था, जो श्रीलंका ने मना किया, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि फिर श्रीलंका मान रही दे देगा परमिशन। तो यदि हम चीन के पास सरप्लस मनी है, हालांकि अब उसकी आर्थिक व्यवस्था ढमाढोल हो रही है, ख़त्म हो रही है, प्रेजेंट जी प्रॉब्लम में है, यदि हम मैन्युफैक्चरिंग हब, जब मोदी जी बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, तब जो हमारा आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगा। आज हिंदुस्तान GDP के माध्यम से $2.94 trillion इकॉनमी है, और यदि GDP PPP के बात करें, परचेज पावर पैरिटी, तो $10.5 trillion का इकॉनमी है। विश्व के हम 5वां सबसे बड़े आर्थिक शक्ति वाले देश हैं, और हमसे आगे कौन कौन है? अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी। तो यदि हम और आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट 4, फर्स्ट 3 में आएंगे, तो आप समझ जाइए कि हमारी अभी क्या हुआ है यूक्रेन वॉर में, कई अब मिडिल ईस्ट जो नुपुर शर्मा केस में बहुत उछले, अब बोलते हैं हमको गेहूं चावल दे दो, आई ना औकात। यदि हम आर्थिक स्ट्रांग हो गए ना, तो सब हमारी पूजा करेंगे, समर्थ कोई दोस्त न गुसाई। और जैसे दिनकर जी ने कहा था, क्षमा चाहिए उस गरण को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से
इंटरनल थ्रेट्स के बारे में बताया, एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में बताया, और ये भी बताया कि किस तरीके से अगर हिंदुस्तान को ये आज़ाद मुल्क बने रहना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या चुनौतियाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से वो क्रिएट की जा रही हैं जो आने वाले समय में देश के लिए घातक हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।